सेवन वंडर सिटी प्रोजेक्ट बाय GFS कराची में अपनी भरपूर कामयाबी के बाद अब आ गया है इस्लामाबाद में। सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद में कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है और आने वाले टाइम में सेवन वंडर सिटी का CPEC से क्या लिंक होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अली मकान सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सेवन वंडर सिटी के बारे में। सेवन वंडर सिटी कराची में अपनी भरपूर कामयाबी के बाद अब आ गया है इस्लामाबाद में। सेवन वंडर सिटी के अगर हम डेवलपर्स की बात करें, जो इनके बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, GFS, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं और कराची में इनका बहुत नाम है। अब इनके अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इनमें मलीर टाउन रेजिडेंशिया, नॉर्थ टाउन रेजिडेंशिया, GFS मेगा टावर, GFS टावर, मेगा ट्विन टावर जैसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन टाइम डिलीवर कर चुके हैं। इस्लामाबाद में ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली ये इसको ऑन टाइम डिलीवर करेंगे। सेवन वंडर सिटी की अगर हम लोकेशन की बात करें कि इस्लामाबाद में सेवन वंडर सिटी कहाँ लोकेटेड है और आने वाले टाइम में इसकी लोकेशन की वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हम M1 मोटरवे जो इस्लामाबाद से पिशावर की तरफ जाती है, अगर हम उस M1 मोटरवे की तरफ से सोसाइटी में जाते हैं तो M1 मोटरवे पे जाके आपने हकला इंटरचेंज पे एग्ज़िट लेना है और वहाँ से आप चले जाएंगे CPEC रूट पे। CPEC रूट क्योंकि आपको पता है CPEC रूट पे ट्रैफिक की जो नॉर्मल स्पीड भी होती है वो 100 अबव होती है, तो आपको 15-20 मिनट्स लगेंगे आप सोसाइटी में एंटर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम एयरपोर्ट वाली साइड से जाते हैं, वो थोड़ी बिजी रोड है, तो उस पर आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन जो इनकी मेन सोसाइटी की जो लोकेशन है वो CPEC रूट के बिल्कुल साथ है, तो इस वजह से आने वाले टाइम में सोसाइटी की जो वर्थ है वो 2-4 गुना बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कल को आने वाले टाइम में इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब जैसे इसके नाम से ही जाहिर है सेवन वंडर सिटी, तो इसमें हमने सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो वो वही 7 अजूबे जो है GFS वाले सेवन वंडर सिटी में लेके आ रहे हैं। अब ये होगा किस तरह से, मैं इस पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये इस तरह से होगा कि लाहौर से मीनार पाकिस्तान को शिफ्ट किया जा रहा है सेवन वंडर सिटी में। जैसे मीनार पाकिस्तान बिल्कुल मिड में होगा और इसके सराउंडिंग्स में जो है वो सेवन वंडर्स होंगे। अब सेवन वंडर्स कौन कौन से हैं ये भी चले मैं आपको बता देता हूँ। सेवन वंडर्स में आईफल टावर होगा, ताजमहल होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगा, द ग्रेट पायरामिड ऑफ गिजा होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द रोमन कोलोसियम और लास्ट पे स्टोन है। ये सेवन वंडर्स मीनार पाकिस्तान मिड पे और ये उसकी सराउंडिंग में 7 सेवन वंडर्स बनेंगे, तो नो डाउट कि आने वाले टाइम में ये सोसाइटी की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी और जिसे दूर दूर से लोग जो हैं वो विजिट करने आएंगे, देखने आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बहरिया टाउन में फेज़ 8 में मौजूद है और दूर दूर से इस्लामाबाद से इवन अदर सिटीज़ से भी जो लोग इस्लामाबाद विजिट करने आते हैं यहाँ पे, फिर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी देखने जाते हैं और वहाँ को भी वो उस जगह को भी जाके इंजॉय करते हैं। सेम इसी तरह आने वाले टाइम में सेवन वंडर सिटी में भी लोग इंजॉय करेंगे, इसको विजिट करने आएंगे, दूर दूर से आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत ही हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बात हमारे कराची के क्लाइंट्स के लिए कि हमारे कराची के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेवन वंडर सिटी को बहुत लाइक करते हैं और ऑलरेडी उन्होंने कराची सेवन वंडर सिटी फेज़ 1 फेज़ 2 में बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह अब वो इस्लामाबाद सेवन वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उनके लिए कराची से इस्लामाबाद आना एक इशू है, तो उसके लिए हमारे पास उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने घर बैठे अपना प्लॉट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। अपनी ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे रابطہ करें, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपना प्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.makansolutions विजिट करें और अपना प्लॉट ऑनलाइन बुक करें। जी व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, तो जुड़े रहिए मकान सॉल्यूशंस के साथ, बिकॉज वी गिव द बेस्ट सॉल्यूशंस।
टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।